अक्सर हम ध्यान में हायर सेल्फ की बातें करते हैं, तो हायर सेल्फ क्या होता है इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम। तो इसके लिए जवाब है जी, बहुत जानना है, अच्छी तरह जानना है। जब एक परमात्मा है इस सृष्टि में, उसी को आदि शक्ति कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं। उस आदि शक्ति से दो चीज़ आया है, एक है उसको पुरुष कहते हैं, दूसरा है प्रकृति कहते हैं। पुरुष माने यही आत्मा, आध्यात्मिक भाषा में पुरुष माने क्या है कि इधर जो धरती में जो पुरुष का शब्द जेंट्स है ऐसा नहीं है, पुरुष माने आत्मा है, जीव आत्मा। प्रकृति माने स्त्री है, स्त्री प्रकृति है। यह प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, ये 14 लोक है, अधोलोक 7 लोक है और ऊर्ध्वलोक 7 लोक है, भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक, इस तरह का 7 लोक है। नीचे अतला, वितला, सुतला, तलातला, रसातला, पाताल लोक है। ये जो जीवात्मा है ये क्या करती है कि इस प्रकृति में एंटर करती है, ये प्रकृति में एंटर करके तरह तरह जन्म लेती है। जब ये मानव जन्म में आते हैं उसको वो क्या करती है कि 3 तरह का गुण वो लोग पाती है, इसी को कहते हैं तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण है। तो हमारे जो जीवात्मा वो कहाँ रहती हैं, वो रहती हैं कारण लोक में रहती हैं। कहाँ रहती है? कारण लोक में रहती है। तो जो कारण लोक में रहा हुआ जो जीवात्मा है वो क्या करेगा कि अपने अंदर से और एक पूंछ को धरती में भेज देगा, इसी को क्या कहेंगे कि लोअर सेल्फ या देह आत्मा कहेंगे। कारण लोक में रहा हुआ ये जो जीवात्मा है यह क्या करेगा कि मेंटल बॉडी को, इमोशनल बॉडी को, एनर्जी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को लेके ये धरती में आते हैं। जो धरती में रहा हुआ जो दिखाई दे रहा राम राजू है ये कौन है? ये है लोअर सेल्फ। लेकिन मेरा जो हायर सेल्फ कहाँ है? वो कारण लोक में है। फिर अभी ये राम राजू शरीर छोड़ देगा, फिर उसके बाद मैं फिर सूक्ष्म लोकों में जाऊँगा, जाके फिर नेक्स्ट लाइफ के लिए प्लान करके फिर धरती में आऊँगा। इस तरह का ये जो लोअर सेल्फ है, ये जो देहात्मा है, बहुत सारा जन्म लेंगे लेंगे लेंगे, तमोगुण में 100 जन्म, रजोगुण में 100 जन्म, सत्वगुण में 100 जन्म लेने के बाद वो जो आत्मा है संपूर्ण ज्ञान पा लेती है, संपूर्ण अनुभव पा लेती है। एटलीस्ट एक आत्मा, एक पूर्ण आत्मा बनने के लिए 400 जन्म लगते हैं। तो ये जब पूर्ण आत्मा बन जाती है उसके बाद वो कारण लोक से वो जो आत्मा है उसका प्रमोशन मिलेगा महाकारण लोक में। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं बहुत आसानी से बताया हूँ, लेकिन इसको जानने के लिए तो खूब ध्यान करना चाहिए, खूब स्टडी करना चाहिए जी। तो हम सोचते हैं कि आत्मा है कहाँ है, ये शरीर में रहने वाला है वो देह आत्मा कहते हैं, लेकिन जो कारण लोक में रहते हैं हम कहाँ हैं? हम हैं कारण लोक।